नमस्कार वेलकम टू हमारा इतिहास आकाब आज हम सरिता रानी जी को मिलने जा रहे हैं जो 1942 के आंदोलन में जेल गई और उन्होंने जेल के अंदर झंडा फहराया नमस्कार सरिता रानी जी थैंक यू कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया है सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका जन्म कब हुआ उन्नीस सौ उन्नीस सौ चौबीस और कहाँ हुआ ये संभल संभल हाँ मुरादाबाद जिला था यूपी के यूपी में तो आप स्वतंत्रता संग्राम में कैसे शामिल हो गई बचपन तो थोड़ा रहा जब शादी के बाद जब अपनी ससुराल आई तो ये लोग लगे हुए थे बयालीस के आंदोलन में ससुराल वाले स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे अच्छा क्योंकि दिल्ली में थे जी सर उस समय तो मुझे ये था कि ये तो अकलती नहीं कितनी बड़ी थी आप छोटी थी मैं सत्रह उन्नीस सौ बयालीस में सत्रह अठारह साल की होंगी हाँ सत्रह अठारह साल के मतलब वो क्या करते थे क्योंकि दिल्ली में दिल्ली में थे इसलिए सारा आंदोलन दिल्ली से शुरू हो रहा था तो आप जब जाती थी जुलूस में तो आप क्या देखती थी ये तो जुलूस निकला ज़्यादातर ज़्यादातर यही होता था और चाँदी चौक वगैरह जैसे खास जगह थी तो वहाँ इकट्ठे हुए और पुलिस वाले आ गए और मारपीट शुरू हो गई बस गोली भी चलती थी आपने देखा आपने हाँ गोली चलती थी कि लड़के थे बीस के आके इक्कीस के सर हम छिपते थे जब तो देखते थे नीचे लाशें पड़ी हुई हैं रोज यही होता था सारा तो अब इससे इससे तो हमें भी लगा कि बड़ी गलत बात है ये हमारे देश में और हम हमें वो कर रहे हैं लोग तो हम हम इनको मेरे रहने देंगे बस ये जरूर सबके मन में आ गया उसी से चला उस समय ये भी नहीं था कि कौन हिंदू है ये क्या है कोई जाति का प्रश्न नहीं था सब एक होकर के सब उसमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल सब शामिल थे सरदार थे सब सब शामिल थे सबने मिलकर के देखा जाए अगर तो आज़ादी ली है और उस दिन जब आप अरेस्ट हुई हैं 1942 में क्या हुआ और कैसे कैसे आप जेल के अंदर पहुंच गई अच्छा मैं रो, रोज रोज़ ये तो रोज़ निकल रोज चलता था रोज़ शामिल होती थी उसमें फिर एक बार उन्होंने क्या करा कि मतलब बजाय गोली चलाने की और सबको घेर करके और अरेस्ट कर लिया सबको अब जेल में ले ले गए हमारे लिए तो नई बात थी पर नई बात भी थी और अंदर से ये भी था कि जेल कैसी होती है वो भी देखेंगे सारी फिर वहाँ ले गए और उन्होंने हमें जेल तो थी नहीं लाहौर में थी आप दिल्ली से फिर लाहौर भेजे गए हाँ लाहौर क्योंकि दिल्ली में जेल नहीं। जेल थी अंग्रेजों ने अपने लिए मार पंखे चलती थी खूब उनकी बड़े शानदार होती उनके तो तो जब हम लोगों को उन्होंने रात को रखा लाहौर नहीं जब से पहले तो बाहर न खाना दिया और न अंदर जाने दिया बाहर कमरे के अंदर भी नहीं जाने दिया सर जो हमारे घर के लोग खाना वगैरह लाए वो भी नहीं देने दिया उन्होंने सारे वो तो खाना दिया ही नहीं उसने किसी को भी सब सब आप भूखे रहे भूखे रहे और फिर आपको ट्रांसफ़र किया गया लाहौर में मिनजी लाहौर में हाँ फिर उन्होंने अगले दूसरे दिन उन्होंने सबको क्योंकि देखा जाए तो खाली ये दिखाना दिखा खाया हुआ था कि केस हो रहा है केस चलेगा इनके ऊपर अब केस क्या होता था कुछ नहीं जो हमसे पूछते थे हम जवाब दे देते थे, थे, थे उनको कि हम तो आंदोलन करेंगे और जो आपकी इच्छा हो करो सारे फिर उन्हें क्योंकि जेल तो थी नहीं वहाँ पे फिर लाहौर भेज दिया अच्छा लाहौर के अंदर क्या हुआ अच्छा लाहौर भेजा उन्होंने तो लाहौर जेल हाँ जेल लाहौर में ही थी जी। हाँ फिर वहाँ में ये जैसे पांच छह कमरे इधर पांच छह कमरे इधर और दोनों तरफ जा गेट ऐसे बंद कर दिया उन्होंने हमें तो जो मेरे साथ थी किशोरी देवी थी वो गाना सीखती थी मेरे साथ थी वो तो जैसे वो हम दोनों ने एक कमरे कमरे में ले लिया ऐसे ऐसे बट गए सब आपस में करके अब क्या करें करें क्या ये भी तो मुश्किल होती थी खाना देने आते थे तो फिर, फिर ये हुआ कैसे तब तुम्हें तो राशन दे दूँ हमें हम बना लेंगे तो ठीक है तो आप खाना बनाती थी पर तो जो लाहौर जेल के अंदर भी कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा काम बहुत, किया आप लोगों ने बहुत बड़ी जेल थी हाँ। तो क्या बात था अंदर उसके और बहुत वो थे क्योंकि दूसरे भी कैदी होते थे ना जो चोरी वगैरह करके आते थे उस तरह वो भी थी सब थी सब दे 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 थे सब वहाँ पे बस फिर ये बात है सब्जियाँ ला दे देते हैं आपको बनाओ अच्छा खाना बनाने के अलावा आपने तय किया कि आप झंडा फहराएंगी लाहौर लो, लाहौर लाहौर में झंडे का ये था कि लड़की थी शक्ति जो बहुत बड़े शेर से की लड़की थी दिल्ली की तो उसने उसने कहा कि वो सोचती रही पहले तो कि क्या किया जाए कैसे करा जाए आपस में बैठ के बात करने लगी तो क्या ऊँची दीवारें तीन तीन पार करके तब बाहर गेट आता था जेल दिल, दिल का अब बड़ी बड़ी तीन दीवारें पार करनी है कैसे करनी फिर तो युवा की जो चारपाई होती है ये इसको चुपचाप ले आए धीरे धीरे कि पूछा क्यों ला रहे के हो कि नहीं ये सोया नहीं जरा कस रहे हैं इसको ठीक कर रहे हैं फिर ऐसे करके और उसको एक पे एक पे करके करी तो लड़की दिल्ली की लड़की थी राय साहब की शक्ति तो उसने कहा कि कौन चढ़े इसके ऊपर उसे अब मैं चढ़ूँगी सारी तो उसने हमने झंडा उठाया और ले कर खड़े हो गए कि इसको तुझे दे देंगे हम उबर सारी अब ये भी डर रहता था, था कि किसी ने देख लिया तो गए फिर उस दीवार चढ़ के ऊपर गई फिर करके कैसे करके तब तो मैंने उसको उसको, उसको हमने झंडा पकड़ाया उसको सारे और जब झंडा फहराने लगा तो फिर जेलर का क्या हाँ वो तो जब झंडा लगा तो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा पूरे लाहौर ने उसको देखा वो फो जो झेलर से देखा तो उससे ज्यादा निकली क्योंकि उसकी मेरी नौकरी आज तो सारी फिर उनको रामेश्वरी नेहरू उनका अलग होती पर हम मिलने मिल लेती थी हमसे फिर उनको पता लगा कहना कि कोई बात नहीं है लड़कियाँ बड़ी मेरी बहुत ताकतवर हैं बहुत ताकतवर और आपके साथ वहाँ मेमोबाई बाई भी थी हाँ मेमोबाई बाई थी और सावित्री रामाकिशन और ज्यादातर नाम याद नहीं आ रही है मुझे बहुत सारे दुलारी देवी थी किशोरी देवी थी और अपराजिता थी अपराजिता रामेश्वरी नेहरू फरीदा बेदी और मतलब बहुत सारे नाम नहीं है भूल गई ना बहुत सारे सारे Um, फिर जब अब आप, आप, आप रिहा कैसे हुई अंदर क्या करें सब ये होता था कि इकट्ठे हो गए बैठ गए चलो आपस में बात करते रहे गाने वाने गाते रहती थी बैठी हुई सारे अब हम लोगों को तो ये रहता था कि कैसे निकलेंगे यहाँ से कब जाएंगे जो केस होता था तो ले जाते थे और पास यार फिर फिर बंदर बंद कर देते थे सारी तो कितनी देर तक आप रही जेल, जेल के अंदर में हमें सजा तो चार, चार महीने की दी उन्होंने हमें अच्छा ये बताइए कि जब आप रिलीज हुई जेल से तो फिर क्या हुआ कैसे कौन आया आपको लेने और क्या हुआ सजा खत्म हो गई हम खुश थे सारे बाहर आए तो हमारे पेरेंट हमारी सास परिवार अपना सबका परिवार सब बाहर आए बैठे थे जेल के बधाइयाँ मिली कि आप हैं आइए सब खुश हुए हाँ। और घर पेरेंट्स भी सारे मिल गए सभा में माँ हमारी सास थी जैसे पति थी सबसे सारे पर ये उनको ये रहता है ये नहीं होता था कि परेशान हुई ये दुखी नहीं कितनी क्योंकि ये काम हमें करना है ये ये चीज़ ज़्यादा अंदर बैठी हुई थी आजादी जीतनी है हाँ, करना है, है करना है बस इनको अंग्रेजों को नहीं रखना है बस ये मजबूत मन करके सब थे उसी हिसाब से काम करते थे अच्छा आपके पति का नाम क्या है और वो उनका क्या योगदान रहा है उनका नाम विपिन चंद्र मुडगिल विपिन चंद्र मोडगिल और उन्होंने क्या किया सारा ज, ज, ये बुलेटिन बनाने आर्ट का सारा काम वही करते थे जैसे नई नई बनाने चाहिए तो पोस्टर बनाए जैसे ये जे जे स्कूल ऑफ आर्ट के थे जे जे. तो ये मतलब आर्टिस्ट थे और वो पोस्टर्स बनाते थे हाँ. अंडरग्राउंड वो तो जाया था काम बजाय गाना वगैरह कम सिखाने के और ये सारे लगा रहते थे तो गाने भी आंदोलन के गाने वो गाते थे गा, संगीत के वैसे हमारा डिग्री थी आर्ट में जैसे जैसे पोस्टर बनानी होती थी जो चिपकाने के लिए शे, 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 तो वो बनाए और जैसे बहुत से लोग अपने ये कहते थे कोई चीज बनानी होती थी आर्ट की जैसे सारा डिजाइन बनाने साड़ियों के डिजाइन जो बड़ी बड़ी होती है तो वो डिज़ाइन बनवा लेते थे उनसे तो ये सब अंडरग्राउंड वर्क होता था कि ये बनता था और फिर दीवारों पे चिपकाया जाता वो तो वो वो आंदोलन हुआ जब तब उसमें ये हुआ कि पोस्टर बनाने हैं। अब कौन बनाए उनके खिलाफ़ बनाना था ना अब कौन बनाए तो ये अपने कौन थे भैया यहाँ नहीं शंकर शंकर पहले सबसे बड़े आर्टिस्ट थे जो वो कह रहे मेरा तो हाथ पहचाना जाएगा मैं एक लड़का दे रहा हूँ जो उसका हाथ में तब ही मेरे पति इनको इनको इन्होंने बनाई अच्छा जब बना के तो शंकर पिल्ले ने कहा कि उनका उन, उनकी जो ड्राइंग है वो पहचानी जाएगी हाँ, उन्होंने हाँ, आपके उन्हों 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 पति को बोला हाँ कि मैं ऐसे लड़का दे रहा हूँ कि बनाएगा अब बता दिया है सारा उसको बोले ठीक है तो जो उन्होंने बनाए तो प्रेस में छपे इनके दीदास गांधी के तो दिल्ली में लीडर्स कौन थे लीडर्स कौन थे जिनके साथ आपने काम किया बहुत सारे यार नाम नहीं काफी लोग थे गांधी जी का प्रभाव बहुत गांधी जी के सब तो उनके प्रार्थना सभा में जाती थी मैं रोज आप जाती थी नहीं। नहीं। तो काफी दिन तक गई मैं वहाँ भी उनके कहने लगे चरखा मैं कहती थी खूब सारे करके करना था एक तो गाना सुनाइए हमें उस उस समय का एक गाना सुनाइए गाना याद नहीं आ अच्छा नहीं। कविता सुना दीजिए कविता क्या बस ऐसे ही जंगलों के खिलाफ करते रहते थे जो कुछ होता है था सारा बताइए ना सारे अब सुबह खटरे आते थे नहीं रखनी सरकार जालम नहीं रखनी सारे खड़े हो गए आए थे जहाँ ये की शरण में बने गले का हार जालिम नहीं रखनी सरकार तो इस तरह की चीज़ें थी सारी क्योंकि तो छोटी सबसे छोटी थी मैं ग्रुप में अपने सबसे इसीलिए ये लड़कियों को उन्होंने हमारे गिरफ्तार किया तो उन्होंने हाथ एक दूसरे वो बना लिए लाइन पकड़ के अब क्या करें सारे उनका यही है कि हाथों में हम मारो डंडे अपने आप छोड़ेंगे ये सारे सब बोले अच्छा अच्छा सरिता रानी जी एक तो मुझे ये बताइए कि आप गांधी जी के सुबह की प्रार्थना की मीटिंग्स पे क्यों जाती थी और आपने क्या देखा वहाँ क्योंकि ये संपर्क में रहे ना शुरू से हम बचपन से गांधी जी की सारे जब प्रार्थना सभा में जाते थे तो मेरी बच्ची है छोटी जब तो हुई थी तो वो उसके दादाजी और गांधी जी एक से लगते थे तो वो ये कहती थी गांधी जी को देख करके कि मैं दादाजी के पास जा रही हूँ तो अब अपनी बच्ची को लेके जाते थे हाँ छोटी सी थी बिल्कुल तो वो वो वॉल्टियर जो होते वो रोकते थे वे कि भाई बच्चे को बाहर ले जाओ शुरू करती है जब तो गांधी जी ने कहा कि तुम ये तो कह देते हो ये बच्चे क्यों क्या कहती है क्यों करती है तो बोले ऐसे बात है जब मेरे खत्म हो जाएगी तब उसको मेरे पास ले आना तो फिर मैं उसको ले कर खड़ी हो गई बोली ये बच्ची है तो देखा गांधी जी बोले कि मैं तेरा दादा लगता हूँ प्यारे नहीं <laughs> कह मैं तो फेल कर दिया इसने गांधी जी बोले तो वो ये कहते थे कि पहले कारण पता करो कि ये क्यों रो रही है ये चुप करो बाहर ले जाओ चुप ऐसे नहीं पता करो यानी हर बात को पहले उसके अंदर तक जाओ तब होता है ऐसे समझा थी <laughs> अच्छा सरिता रानी जी आप रोज जाती थी गांधी जी के प्रार्थना सभा में तो आप आप वहाँ थी जब गांधी जी को गोली लगी हाँ उसमें थे तो हम भी आप थे हाँ वो तो बता रही हूँ तीस जनवरी पे आप थे हाँ वो तो उन्होंने आया ना गोड़ से हम बैठे थे जैसे सब लोग प्रार्थना में बैठते थे वो आया उसने आके झुक कर के पैर छुए गांधी जी के तो मुझे झुक के जब पैर छुए तो तभी तो तीन गोलियाँ मार दी उसी और फिर क्या हुआ आपने क्या देखा फिर वो मतलब पुलिस आ गए सबने से हट गए वहाँ से बाहर तो दिया उसको अरेस्ट कर लिया उसे तो अब हम तो चले आए मतलब गोली गोली चल गई है आपको उस वक्त क्या महसूस हुआ कि गांधी जी के ऊपर गोली लगी है तो हाँ उस सब सबको तो भागने की लगी थी उसमें वहाँ से क्योंकि आ गई एकदम से उसको हटा दिया उनको उसके बाद उन्होंने इसका ए, बाद में सुना मैंने का भी काफ़ी क्योंकि मंदिर बना बनाया उसके लिए रोड से के लिए वो तो तोड़वा दिया था वह किसी ने ख़त्म करो ये काम नहीं चलेगा ये पार्टी वाली हो जाती है ना वो बड़ी चक्कर होती है हमारा तो पार्टियाँ भी बहुत हैं एक भी नहीं तो सारी तो अब वो, अब कोई कहते चार गोली मारी है चार घास तीन तो तीन वैसे सारी मैं चार चौथी किसने मारी बताओ अब ये सोचते रहो तुम तो लोग बैठे रहो इसी मैं दिमाग ख़राब करते रहो हम लोग क्या हमारे बस का काम नहीं है अच्छा और आज जो लोग नहीं रहे हैं उनके बारे में बताइए जो जिन्होंने काम किया स्वतंत्रता संग्राम में तो उनके बारे में बताइए जो अब नहीं रहे अब नहीं तो अब नाम जैसे है। आपके बत्ती थे फिर आपके हाँ। हाँ। सभी सभी लगे रहते थे सारे सारे भाई ये था कि विद्यालय स्कूल तक तो चला रहे हैं है। वो इसके अलावा क्लास खत्म करेंगे अपनी सारी और सिखाया और इसमें लग जाते और थे सारी अच्छा विजय तो जो थे जो, जो लीडर थे उस समय की अब नाम नहीं याद रही मुझे अभी कभी कभी याद आ जाते हैं अचानक बचपन याद रहा बाकी अब भूल गई सारा फिर तो वो तो वो तो बराबर काम करता रहा विजय तो सारा मेरे क्या मुश्किल भी बीस चौबीस साल का भी नहीं होगा हो होगा इतना गया तो इनके देवदास गांधी वगैरह जो थे उनके साथ काम सब जितने लीडर थे बड़ी-बड़ी सबके साथ काम करता था उस समय वो तो बुखार उसको मैं, जब मैं जेल से विजय जी ने देवदास गांधी जी के साथ काम किया हाँ मैं जेल जेल से लौट के आई हूँ तो तब तक तो घर था बुखार आ रहा था उसको सारे तो वो जो पुलिस वाले थे वहाँ के वो कहने लगे कि आपका वारंट विजय के लिए बोले तो उनका माता जी बोले की बुखार हो रहा है उसके बच्चे तो बीमार है ही क्या आप चिंता नहीं करिए बिल्कुल ठीक रहेगा तो बुखार के समय ही ले हाँ बीमार बीमारी ले गए थे जेल में हाँ क्यों में तो जाना है और फिर तो वहाँ ले गए और वहां जो टीवी के मरीज थी हुँ. उनमें कीमत तो थी नहीं वालों की तो वहाँ उसको टी वी हो गई वहाँ पे उसे तो वो डेथ हो गई उसकी आज जब क्योंकि उस समय इसकी ये इंग्लैंड से आती थी अपने यहाँ थी नहीं तो बीमार होते हुए भी वो लेके गए और टीबी वालों के साथ ही उनको छोड़ दिया हाँ, उनके साथ ये तो मरने वाले तुम भी क्या करो दवाई तुम भी तुम भी मर नहीं लेट जाओ नहीं। अपने लोग थे सारे अच्छा ये बताइए कि अब आप, आपने इतना कुछ किया है देश के लिए और आज़ादी के लिए तो अब आप आ, 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 आप क्या कहना चाहते हैं भावी पीढ़ियों को बहुत सी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि हम उनको ज़रूरी हो रहा है करना नहीं करना चाहिए तो पहले तो भारत तो भारत था अब पूरे एक हो गया पूरी दुनिया एक हो गई अब तो उसमें उसमें अंतर आ गया है सर उतनी, उतनी, देश के उतनी भावना है, नहीं है तो आप सोचती हैं कि हमें देश के प्रति कुछ भावना रखनी चाहिए तो अब ये आप चाहते हैं कि भाई ठीक है बाहर का भी सब देखो अपना भी तो कायम करो पर उससे होता है क्या है अकेले मेरी चाहने से कुछ नहीं होता थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम